नीट एग्ज़ाम की बहुत बड़ी न्यूज़ उभर के आ रही है कि नीट एग्ज़ाम में जो धोखाधड़ी हुई है, जो नीट एग्ज़ाम था उसमें सीटर्स बैठाए गए थे और कुछ सीटर्स पकड़े गए हैं, उसके अंदर MBBS डॉक्टर भी इन्वॉल्व है और कुछ स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है, कुछ कोचिंग सेंटर के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस कारण नीट का एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट वो डिले हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ये मामला पहुँचेगा और जो कि ये पुलिस के थ्रू पकड़े गए हैं। ये मामला हम पूरा समझेंगे कि किस प्रकार से ये चीटर्स पकड़े गए हैं पुलिस के थ्रू। इसमें यह लिखा है कि ये परीक्षा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित केंद्रीय विद्यालय पर हुई थी। मतलब कि जो ये घटना हुई है ये रोहिणी सेक्टर पे हुई है। सीतापुर निवासी अभ्यर्थी सैलिस की जगह वासगांव और गोरखपुर निवासी अमित की ने नीट की परीक्षा अमरपुर में बनाए गए परीक्षा केंद्रीय विद्यालय में भी दी। मतलब कि इसमें अभ्यर्थी भी चेंज हुए हैं, कैंडिडेट चेंज हुए हैं और उसके साथ साथ सेंटर भी चेंज हुए हैं। तो ये फर्जीवाड़ा ये पकड़ा गया है रोहिणी सेक्टर में। और इसमें यह बताया कि ऐसे करते थे फर्जीवाड़ा और 10 से 15 लाख वसूले। यानी SP पश्चिम ने बताया कि बेवतन महफूज और डॉक्टर सचिन अभ्यर्थियों को जुटाते थे, उनका ब्यूरो तैयार करते थे, फर्जी आधार कार्ड फोटो मिक्स कर दस्तावेज करने की तैयारी धीरेंद्र प्रताप की थी। मतलब कि इसमें आधार कार्ड थे और फोटो सारी डुप्लीकेट, मतलब कि डुप्लीकेट तैयार करवाते थे। वो कल्याणपुर के शारदा नगर स्थित अपने फ़ोटो स्टूडियो में पूरा खेल करते थे। एसपी के मुताबिक सोलोवर गैंग के एक एक विद्यार्थी ने 10 से 15 रुपए तक परीक्षा पास कराने के लिए वसूलते थे। पूछताछियों में जो आरोपी थे उन्होंने ये जो फर्जीवाड़ा किया उन्होंने ये सब कुछ कबूला है। मतलब कि एक पेपर पास कराने के लिए 10 से 15 लाख रुपए वसूले हैं इन्होंने, तो ये बताया है इसमें। और ये भी बताया है कि एजेंसी से किया संपर्क, पुलिस ने इन परीक्षाओं को आयोजित कराने वाली एजेंसी से भी संपर्क कर पूरी जानकारी दी है। और इसके साथ ही सलावरों ने जिन जिन अभ्यर्थियों की जगह पर परीक्षा दी है और उनका डाटा भी मांगा है। SP का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम में किस तरह से सेंधमारी की गई है इसकी अहम जानकारी जो जाँच होगी उसमें सामने आ सकती है। और इसमें और भी आरोपी बनेंगे, मतलब कि अभी और भी आरोपी हैं जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है, मतलब जिससे ये आपका जो नीट का रिजल्ट है वो डिले हो सकता है, क्योंकि यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंचेगा जिससे आपका नीट का भी रिजल्ट डिले भी हो सकता है। ये था फर्जीवाड़ा जो नीट एग्ज़ाम में हुआ था, जो इसके आरोपी पकड़े गए हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल।